सो आज है टेंडर कोकोनट खाने की मन कर रहा है तो उसके लिए तैयारी चल रहा है। चल जा। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अमित हियर अगेन विथ न्यू ब्लॉग मैन। सो आज फाइनली हम खाने जा रहे हैं सीताफल। इतना दिनों इंतजार के बाद में पेड़ों में पका हुआ सीताफल मिल गया हमें। तो ऊपर तोड़ा जा रहा है फल को। ये देखिए, तोड़ लिया। हाँ, मुझे लगती है बहुत तेज हो गया इसमें। आराम आराम से, आराम आराम से उतर अपना, है ना, इसलिए। अय्या क्या बात है, ये एकदम पेड़ों में पका हुआ है, ये फ्रेश। ये आगे जो है एक तालाब है, उसमें मेरा छोटा वाला भाई पानी भर के लेके आ रहा है, क्यों ट्रैक्टर में डालना है, ट्रैक्टर गर्म हो जाती है इसीलिए। तो पानी भी सूख चुकी है, काफ़ी गर्म है यहाँ पे। जैसे बारिश स्टार्ट होगी ना, ये पूरी जगह पे पानी भर जाएंगे और लोग अपना खेत जोतना चालू करेंगे। मोस्टली यहाँ पे धान की खेती किया जाता है। और सूर्योदय का क्या कहना है, अब पहाड़ देख रहे हो ना, और एक देखो पहाड़ सीधे ऊपर में कितनी भयानक आग बरसा रही है। तो चलिए फटाफट मैं जाके ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी देरी से ये खेत जोत रहा है। और मेरे भाई भी पानी लेके आया है, भाई इसको भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। तो मैं भी जाके ज्वाइन करने वाला हूँ अभी तुरंत फटाफट, क्योंकि काफ़ी देर से अकेला अकेला कर रहा है। तो मैं भी खेत जोतूँगा, अभी बाहर तो जा नहीं रहा हूँ कुछ दिनों से, तो घर के काम तो पहले कर लो थोड़ा सा, फिर बाहर जो ट्रिप में निकलेंगे तब तो फिर कुछ घर का काम होता ही नहीं है। सामने देख रहे हो ये सुपारी की पेड़ है, जो पान के साथ में खाया जाना वाला सुपारी होता है ना, इसके बगीचे है। मतलब आगे पहाड़ी में सभी इस तरह के बगीचे लगा के रखा हुआ है हमारे यहाँ पे। और इसमें खेती वगैरह किया जाएगा इस बार, पता नहीं क्या लगाएंगे, पहले जूत तो रहे हैं, इसमें क्या लगाएंगे और बाद में सोचेंगे। और फिलहाल ये खूबसूरत सा पेड़ है, इस वजह से काफ़ी शांति सा फील हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे चाय नाश्ता किया यहाँ पे बैठ के, क्योंकि खेतों में लेके आ जाते हैं हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए। ये रहा खेत, ये पम्पकिन है यहाँ पे लगा हुआ, तो पम्पकिन है क्या नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए पम्पकिन की खेती है। हाँ, ये पम्पकिन की खेती है, तो देखता हूँ पम्पकिन है क्या दिखाने के लिए। काफ़ी सारा पम्पकिन हुआ भी था पर हमने खा लिया तोड़ तोड़ के यहाँ से पम्पकिन, मुझे तो दिख नहीं रहा है। चलिए, यहाँ पे एक नदी भी है, ये पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था क्लीन, आजकल कोई नदी में नहाने के लिए आते भी नहीं, हर किसी के घर में नहाने धोने के लिए सुविधा हो गया है तो कोई नहीं आता है। आगे पूरा मस्त जंगल है, जंगल उधर तो पहाड़ी है ही है वहाँ पे। चलिए आपको पम्पकिन दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों ने पम्पकिन देखा होगा तो मेरे खेत का पम्पकिन आपको दिखाने के लिए मैं सोच रहा था। नहीं रहा पम्पकिन, सब तोड़ के ले गए। हाँ, वहाँ पे दूर पे देख सकते हो एक फ्लावर जरूर आया हुआ है, तेरी पम्पकिन की फ्लावर, अभी इसमें फ्रूट्स आने वाले होंगे कुछ दिनों में।
आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग, आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। मैं नहाने के लिए गया था हल जोतने के बाद में, तो सडनली मेरा छोटा वाला भाई ने मुझे बताया आके, तो मैं भी देखने के लिए आ गया। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या है ये। देख रहे हो, ये मधुमक्खी की छत्ता है। ये टोटली जंगली वाला है और बहुत ही खतरनाक है ये बड़ा वाला। एकदम बड़ा वाला मक्खी होता है ना, जो अफ्रीकन वाला, वही ब्रीड का है ये। अब देख रहे हो, पता नहीं सनलाइट की वजह से कितने अच्छे से आ रहा है। हम देख रहे हो अभी, अगर इसने बाइट किया ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। अरे पता नहीं इसमें हनी है या नहीं, इसको बाद में देखेंगे। तो थोड़ा सा काम के लिए बेम्बो चाहिए था, तो भैया ने कुछ बेम्बो वगैरह कट किया है। वहाँ पे झाड़ी है आगे, बांस की झाड़, तो वहाँ से हमने बांस काट के लेके आया। ये तो बनाना का ट्री है, ये देखो, ये बेम्बू का झाड़ी है, तो जब कभी भी ज़रूरत होता है तो बेम्बू यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। इधर पे भी है झाड़ियाँ बहुत सारा। इस तरह से हम लोग छोटे मोटे काम, ज़रूरत का जो भी होता है ना, तो हमें यहीं पे मिल जाती है अपने जंगलों में। तो नेचर हमें सब कुछ देती है अपनी ज़रूरत का हिसाब से, अपना काम निकालना पड़ता है, पर नेचर का भी केयर रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका पास में दिया है तो आप बस यूज ही करते रहो। तो बस ऐसे ही छोटा सा ब्लॉग बनाया था, होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नए ब्लॉग में। चलिए एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे।